नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक प्लॉट में यानी एक खेसरा में दो केवाला बन सकता है, दो केवाला हो सकता है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, एक प्लॉट है या एक खेसरा है, हिंदी में उसे खेसरा कहें, ठीक है, इंग्लिश में प्लॉट बोलते हैं लोग, ठीक है। तो अब प्लॉट खेसरा एक ही है, पहले इसको आप समझ लें। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो प्लॉट और खेसरा को अलग अलग समझते हैं, तो प्लॉट और खेसरा एक ही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक प्लॉट या खेसरा है तो उसमें दो आदमी का केवाला हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए एक प्लॉट है जो कि 10 कट्ठा का है, 10 कट्ठा का प्लॉट है और दो व्यक्ति 5-5 कट्ठा ले लिए हैं, तो एक प्लॉट में, एक खेसरा में दो व्यक्ति हो सकते हैं। इसको इस तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो जमीन उस प्लॉट में कितना है उसको देखा जाता है, और उस प्लॉट में रैयत कितना है, जिन्होंने जमीन खरीदा है वे कितना है, उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा प्लॉट यानी पूरा खेसरा एक ही व्यक्ति के नाम से होता है, एक ही व्यक्ति ने खरीद रखा होता है। कभी कभी ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि एक खेसरा में 2-4-5, मतलब जितने व्यक्ति खरीदे हैं उतने रह सकते हैं उसमें। कोई मान लीजिए 1 कट्ठा खरीद लिया, कोई 2 कट्ठा खरीद लिया। मान लीजिए कोई प्लॉट ऐसा है जहां पर 1-1 कट्ठा सभी आदमी खरीद लिए हैं, तो यह डिपेंड करता है कि एक प्लॉट में कितना खरीदार है, कितना रैयत है, कितने आदमी हैं जो खरीदे हैं उस प्लॉट से जमीन को, और उसमें कितना जमीन है। तो एक प्लॉट में जो है एक से अधिक एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक रैयत भी हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।